वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोग के लिए एक रेसिपी ब्लॉग, और ये तो उस रेसिपी का नाम है फरा, जो कि हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने सोचा फरा बना लेती हूँ, क्योंकि ये चावल के आटे का और उड़द की दाल और मटर की दाल भी डाल सकते हैं या चने की दाल से, और टेस्टी लगता है। तो सुबह के नाश्ते में हम लोग यही आज बनाएंगे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करें, और बहुत लोगों को पता भी होगा इस फरे के बारे में और बहुत लोगों ने खाया भी होगा। तो जिन लोगों ने नहीं खाया वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिन लोगों ने खाया उसे तो पता ही होगा कि क्या होता है, बहुत यम्मी और वो टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी गुनगुन जो है खेल रही है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है उड़द की दाल भिगो दी थी रात में ही, तो अच्छे से भीग गई है। अब इसको छिलका निकाल रही हूँ, इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। आप बिना छिलके वाले भी उड़द की दाल ले सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं सब धुल के इसको अच्छे से निकाल के, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चने की दाल नहीं ली है, मटर की दाल ली है। चने की दाल लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ही और अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों दालें धुल ली हैं अच्छे से, अब इसको मैं पीस लूँगी। और अब मैं यहाँ पे इसको पीस लूँगी मिक्सी में, अगर आपके पास सिल होगी तो उससे भी आप पीस सकते हो। तो यहाँ पे मैं मिक्सी से पीस रही हूँ, इसमें थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च डाल सकते हैं, अगर आपको हरी मिर्च नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिए। तो यहाँ पे मैंने दाल को पीस लिया, आप लोग देख सकते हैं कैसी पीसी है। आप लोग ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा इसको मोटा ही रखिएगा। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ इसमें हींग और धनिया, और मैंने लहसुन और मिर्ची तो कूट के भी डाल सकते हो, अगर पीसना चाहो तो पीस सकते हो, नहीं तो कूट के भी डाल सकते हो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालिए और जितना आपको जैसा लगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके आटे की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, चावल का आटा। तो इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं हल्का सा, और इसको हम गूंद लेंगे बिल्कुल टाइट सा, आटे के जैसा, जैसे हम लोग आटे के लिए सानते हैं वैसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको गूंद लिया, तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया। अब मैं इसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी, छोटी छोटी सी जो बनती है पूड़ियाँ वैसी बनानी है। मैं तो हाथ से बना लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई है हाथ से बनाने की, पहले नहीं बना पाती थी लेकिन अब आ गई बनानी। तो आप लोग देखेंगे, तो आप इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना सकते हैं हाथ से, अगर हाथ से बना लें तो थोड़ी सी ऑयल लगा के, और नहीं तो बेल के आप छोटे से सर्कल वाले कोई भी कटर से आप इसको सर्कल कर सकते हैं बेल के। तो मैं इस तरह से कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ जो है बना ली हैं छोटी छोटी सी, तो अब मैं इसकी बनाने की स्टार्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पैन रख दिया, आप कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई में जैसा भी हो आप उसमें बना सकते हैं। यहाँ पे दो चम्मच मैंने, दो तीन चम्मच यहाँ पे मैंने रिफाइंड डाला है, तो रिफाइंड ही डालिएगा क्योंकि सरसों के तेल से नहीं अच्छा बनता है, ये रिफाइंड से ही अच्छा बनेगा। तो जो दाल हम लोग ने पीसी थी हम लोग को कुछ इस तरह से उसके ऊपर रखना है, और देख सकते हैं मैं किस तरह से रख रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही रखिएगा। और फिर इसके बाद और फिर आपको इस तरह से उठाना है और उसको पैन में रखना है, कढ़ाई में या पैन में आप आराम से रख लीजिए, ऐसे एक एक करके लाइन से आप रख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फरा सारे बन के रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दूँगी, जो कि थोड़ा सा नीचे से क्रंची हो जाए, तब हम इसमें ढककर पानी डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा ये हो गया है क्रंची सा, अब हम इसको ढक लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक कप पानी डालेंगे, तो मैंने एक कप पानी ले लिया यहाँ पे और मैंने इसको डाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी डाला है अभी, आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितना पानी यहाँ पे डाला है, और यहाँ पे मुझे दो बार पानी डालना है। अगर ये पानी अगर सूख रहा है तो आपको बीच बीच में चेक करना है, अगर पानी सूख रहा है तो फिर से मुझे दो कप मतलब एक कप पानी और डालना पड़ेगा, दो बार में पकाना है इसको। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दोबारा भी पानी डाल दिया है इसमें, तो दोबारा पानी डालने के बाद कुछ इस तरह के दिखेगा। तो अभी हम इसको पलट देंगे, और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गया है, नीचे से एकदम क्रंची सा बन चुका है ये। तो पानी इसमें सूख जाएगा तभी आप चलाइएगा, पानी रहेगा चलाएंगे तो फिर इसका टेक्सचर जो है इस तरह का नहीं रहेगा, फिर बहुत ज़्यादा ही गीला रहेगा। तो पानी सूख जाए तभी आप इसको पलटिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से ये बन चुका है, रेडी हो चुका है।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि इसके साथ चटनी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है चटनी के साथ खाने में, तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ। तो आप धनिया पुदीना, और मेरे पास धनिया नहीं थी तो मैं ये डाल रही हूँ, धनिया पुदीना, टमाटर, मिर्ची और नमक। तो यहाँ हमारे फरे हो गए हैं रेडी, आप लोग देख सकते हैं कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं। तो चलिए आप टेस्ट कराते हैं कैसा है। कैसे लगे फरे? ये टेस्टी है ना गुनगुन? वाओ टेस्टी है गुनगुन। कैसे लगे? बहुत बढ़िया। सब लोग खाना अच्छा। सब लोग बना के खाना है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो, ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।